नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो। जिस नई संसद का उद्घाटन बीते 28 मई को मोदी सर ने बड़े ही धूमधाम से हवन पूजन और सिंगल स्थापित कर किया था और तब कहा था कि यह सिर्फ भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का साधन बनेगा, यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। उसी नई संसद में आज पुरानी संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी वाले दिन दो लोगों ने बाकायदा संसद के अंदर घुसकर और दो लोगों ने संसद के गेट पर कलर स्मोक का इस्तेमाल करते हुए नारेबाजी की। ये चारों लोग देश के अलग अलग राज्यों से हैं, इनमें से एक युवक लखनऊ से भी है। घटनाक्रम के जिक्र के साथ हम आपको संसद के सुरक्षा तंत्र के बारे में भी बताएंगे। दरअसल आज बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग नीचे कूद गए और स्प्रे के जरिए धुआं फैला दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों व्यक्तियों को सांसदों द्वारा पकड़ लिया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसके कुछ ही देर बाद लोकसभा के बाहर दो अन्य लोगों ने कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। इस मामले में सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि संसद में कूदे लोगों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई, वहीं बाहर कलर स्मोक का प्रयोग करने वालों की पहचान नीलम और अमोल सिंधे के रूप में हुई। संसद के बाहर हिरासत में ली गई नीलम हरियाणा के जिंद के घासों की रहने वाली है। उसके पिता उचाना में मिठाई की दुकान चलाते हैं, आंदोलनों में एक्टिव रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दोनों ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम और जय भारत के नारे लगाए। मनोरंजन कर्नाटक का है और पेशे से ऑटो ड्राइवर है। वहीं सागर शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते और लगातार संपर्क में थे। इन्होंने मिलकर संसद में स्मोक स्टिक जलाने की साजिश रची थी। वहीं पूरे मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि धुआं सदन में फैलाया गया था, यह साधारण था, इसको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। इस मामले में सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस घटना पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में प्रारंभिक जांच विवरण से जानकारी मिली है कि दो लोग नीलम और अमोल परिसर के अंदर संसद भवन के बाहर पकड़े गए, मोबाइल फोन नहीं ले जा रहे थे, उनके पास कोई बैग या पहचान पत्र भी नहीं था। उनका दावा है कि वे खुद संसद पहुंचे और उन्होंने किसी भी संगठन से जुड़ने से इनकार किया है। पूछताछ के लिए पुलिस विशेष टीम भी बना रही है। संसद के शून्यकाल के बैठक का संचालन कर रहे पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक शख्स गिर गया, फिर देखा तो एक व्यक्ति कूद रहा था, एक व्यक्ति ने जूते से कुछ निकालकर धुआं फैलाया, जांच होगी तो पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्पीकर ओम बिरला तय करेंगे कि आगे क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर संसद की सुरक्षा व्यवस्था होती कैसी है। संसद का अपना सुरक्षा तंत्र है और वो काफी मजबूत रहता है। मजबूत इस सेंस में कि आप देखेंगे कि रूटीन में भी जब संसद का सत्र नहीं चलता है तब भी उनकी चेकिंग की व्यवस्था रहती है। अभी जो घटना घटी है उसके संदर्भ में ये जो लोग आए हुए थे, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनके पास बनवाए होंगे क्योंकि वो गैलरी से आए हैं, उनके पास गैस जैसा जो कुछ मिला है वो क्या है ये आगे जांच का विषय होगा। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के तहत रूटीन में संसद की सुरक्षा का जिम्मा लोकसभा के पास होता है। दोनों सदनों के अपने सुरक्षा कर्मी होते हैं जिन्हें पीएसएस यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस कहते हैं। ये सर्विस ओवरऑल सारी चीजें देखती है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो इसमें दिल्ली पुलिस के लोग भी सुरक्षा में होते हैं। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल आईटीबीपी के जवान होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो एसपीजी एनएसजी सबके लोग यहाँ ऐसे मौकों पर रहते हैं क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होता है। जब कोई बड़ा आयोजन होता है जैसे पिछले दिनों G20 देशों के स्पीकर का सम्मेलन हुआ था तो सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। 22 साल पहले जो हमला हुआ था उसके बाद संसद की सुरक्षा में काफी चीजें हाईटेक हुई हैं। संसद के स्टाफ के पास भी अगर वैध पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें ड्यूटी से लौटा दिया जाता है, उन्हें भी पास बनवाना होता है और उनके विभाग प्रमुख अनुमति देंगे तभी उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जाती है। संसद पर 22 साल पहले हुए हमले की आज बरसी भी थी। उस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव हुए हैं अब ये भी जान लेते हैं। संसद पर हमले के बाद इसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसे वेल इक्विप्ड यानी कि पूरी तरह से आधुनिक डिजिटलाइज किया गया है। संसद की सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्स बनी हुई है, आंतरिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं, ये काफी मजबूत हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग संसद सदस्यों को पहचानते भी हैं।
पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस सीधे स्पीकर के मातहत काम करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई संसद में इतनी बड़ी अगर सुरक्षा चूक हुई है तो इसके बाद अजीत डोभाल क्या करते हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या करती हैं, इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, और अपने मोदी सर क्या करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या करते हैं। धन्यवाद।